बड़ी खबर का रुख करेंगे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव का मामला फिर से हाईकोर्ट पहुंच गया। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने फिर से याचिका दाखिल की है। कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की गई है। कुलदीप कुमार ने अपने एक बयान में कहा, उन्होंने कहा कि मेयर चुनावों में वीडियोग्राफी का रिकॉर्ड मंगवाया जाए। तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने याचिका दाखिल की है हाईकोर्ट में। आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले चंडीगढ़ मेयर का चुनाव मुकम्मल हुआ, जिसमें बीजेपी के उम्मीदवार मनोज सोनकर ने जीत दर्ज की, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इसमें धांधली का आरोप लगाया। पहुंच गया मामला और उन्होंने कहा कि मेयर चुनाव के दौरान हुई वीडियोग्राफी के रिकॉर्ड मंगवाए जाए। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में अच्छी खासी नाराजगी है मेयर चुनाव को लेकर। इनका आरोप है कि मेयर चुनाव में जमकर धांधली हुई है। उन्होंने पहले ही कहा था कि हाईकोर्ट का रुख करेंगे। इस बीच आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने याचिका दाखिल कर दी है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में। कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की गई, कहना है कुलदीप कुमार का। मेयर का चुनाव बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत लिया है और इस बीच एक बार फिर हाईकोर्ट का रुख किया गया है। को जल्दी से जल्द हम सोल्व करेंगे। जैसे डंपिंग ग्राउंड को लेके वो पहले से चलता ही आ रहा है ना, तो मेरा ज्यादा और ध्यान रहेगा कि उसको जल्द से जल्द हम जो मेन समस्या हमारे चंडीगढ़ की पहले उसको खत्म करें। तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होगा।